अब मैं जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, आप वन बाय वन अपने हैंड रेज कर दो, ठीक है? और मैं निधि जी आप जो है नाम है बताते जाइए जिनका भी क्वेश्चन लेना है, जिनके हाथ रेज है, और मैं सबके क्वेश्चंस लूंगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहें फील फ्री टू आस्क मी, आई'ल आंसर योर क्वेश्चंस। ऑलराइट सर, आदेश जी से शुरू करते हैं। या प्लीज। हाँ सर नमस्ते। सबसे पहली चीज तो ये कि बहुत अच्छा लगा, आपने इतने कम समय में इतना सारा ज्ञान दे दिया, हमको तो उम्मीद भी नहीं थी, और उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच सर। मेरा सर ये सेशन में जुड़ने का और मेरा मन भी है कि मतलब मैं वास्तु से रिलेटेड काम करूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को मैं काफी पढ़ता रहता हूँ, करता रहता हूँ। मेरा सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक केस स्टडी मेरी खुद की है। मेरी मेरे फादर के साथ कभी नहीं बनती, उनका काफी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा व्यसन करने की आदत, और काफी मतलब मेरा एकदम 36 का आंकड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि सर मेरा घर बहुत अच्छी पोजीशन में है, मेन मार्केट में घर है, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको कबाड़ा इकट्ठा करने की आदत है। अगर मैं सर्च करूं कि मतलब मेरा वास्तु दोष है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वास्तु दोष तो मेरे घर में ही निकलेगा। और उसमें दिक्कत यह है कि सर वो ना तो एस्ट्रोलॉजी को मानते ना किसी चीज को मानते, और वो मुझे उसमें कोई इम्प्लीमेंट भी नहीं करने दे सकते। इसीलिए मैं भी तो मेरे सर दो ही क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए मैं बाहर रहता हूँ, अपना घर छोड़ के अब दूसरी जगह पर रहता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ सर, टीचर हूँ, तो जहां पर मैं वर्तमान में रह रहा हूँ वो वास्तु के हिसाब से जोड़ा जाएगा, इफेक्ट करेगा मेरी लाइफ के ऊपर, या जो मेरा मेन घर है वो जोड़ा जाएगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर उसको मतलब उसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, तो क्या कोई ऑप्शन है कि मैं थोड़ा उसके वास्तु को सही कर सकूं? जी, मैं अब आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को क्लियर करता हूँ। देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप उस घर में कोई रेमेडी नहीं कर सकते, तो आप अभी जो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये बताइए। हिंदी मैं सर हिंदी पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं, ठीक है? अब पॉइंट ये है कि हमारे को ये समझना है कि हमारे को ना क्या हमेशा से सिखाया गया है, हमारे को जो है गलत, अगर मान लो कोई भी इम्पोर्टेंट परिस्थिति है, तो पॉइंट ये कि आप अभी जहां पर भी रह रहे हैं, जिस भी शहर में रह रहे हैं, तो आपके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वास्तु होगा वो उस घर का होगा, चाहे वो घर आपका खुद का है। तो अब आपने अगर अपना घर ले रखा है तो वो घर आपके नाम पे होगा, ठीक है ना? आपका वो जो पेरेंटल घर है वो आपके नाम पे है, हाँ जी, वो वाला भी आपके नाम पे, और ये इधर वाला भी आपके नाम पे है, नहीं इधर वाले तो रेंट पर रहता हूँ मैं। इधर वाले पे रेंट पे रहते हो, ठीक है ना? अब पॉइंट ये है कि आपने रेंट एग्रीमेंट किया, नहीं सर। रेंट एग्रीमेंट कर लो, ओके जिस दिन रेंट एग्रीमेंट कर लोगे उस घर का वास्तु जो है आपको इफेक्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आपका उस स्पेस से कोई कनेक्शन नहीं है फिजिकल ओके वे में, ठीक है? अगर आप अपने नाम से रेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं फॉर्मल तरीके से, तो आपको इस घर के जो वास्तु के रिजल्ट्स हैं वो सारे इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मल वे में अब जो है इस घर का स्पेस जो है आपको इफेक्ट करेगा। और जहां तक आपका ये सवाल है कि मेरे को अपने पैतृक घर का जो है वास्तु इफेक्ट करता है नहीं करता, इनडायरेक्टली वे में बोलूं तो करता है, ठीक है ना? जी अब सर। थोड़ा बहुत इस बात को, उस चीज को काटने के लिए ही हमें ये करना है कि हमें जो है इधर वाले रेंट एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है उस घर के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, उस घर के अंदर क्या मतलब, क्या मतलब इन द सेंस कोई नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेयर्स वगैरह भी है क्या? स्टेयर्स आपको समझ पा रहे हो, जी, समझ पा सीढ़ियां रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, सीढ़ियाँ सीढ़ियां समझ पा रहा हूँ। सीढ़ियां नहीं सर, सीढ़ियां पूरब जो सीढ़ियाँ हैं वो पूरब की दिशा में हैं। दिशा में है ना? मेरे को अब ये बताओ कि उत्तर दिशा में क्या क्या है? पूरा पश्चिम, उत्तर सर, उत्तर दिशा में लेटरिन बाथरूम है। बस उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर पापा नहीं मान रहे हैं आपके, तो उत्तर दिशा में जाके वो जो टॉयलेट्स बने हैं ना उनकी कमोड के ऊपर ना जाके वहां पर ग्रीन कलर के कमोड के आसपास तीन तरह से टेप लगा दो, जैसे मैं बैठा हूँ अभी आप सामने, ठीक है? तो आप यूं देखो, मेरा हाथ देखो, यूं जी यूं और यूं, ठीक है ना? यूं 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 इस तरह से जो है उस कमोड की तरफ टेप लगवा दो। वो तो उसमें तो पिताजी को पता भी नहीं लगेगा, कभी जी जाओ जी आते जाते जाके टेप लगा देना उधर के। तो क्या हो रहा है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन से जो एनर्जी जा रही है ना, ऐसे केस में इतना भी हो जाता है कि कई बार पिता जो होते हैं अपनी सारी संपत्ति जो है ना वो अपने बच्चों के नाम ही नहीं करते, वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, और पिता पुत्र के जो संबंध अगर खराब होते हैं तो हमेशा नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न बेल्ट के अंदर या सीढ़ियां हो या टॉयलेट हो, इस कारण से अक्सर घरों में
पिता पुत्र के बीच में कलेश प्रैक्टिकली देखा जाता है, मगर ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी किताब में नहीं मेंशन है सर, जी आप सर, इसको आपको तो ढूंढना मत कहीं, मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। जी तो जी ये मिलेगी नहीं आपको, पर ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने कहीं एक दो केसेस में तो ऐसा भी पाया कि वहां पर पिता ने अपनी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी वो जाकर डोनेट कर दी किसी आश्रम को, और जो घर के बच्चे थे वो एज इट इज जो है वो उनको कुछ भी नहीं मिला, देवर पेनीलेस, देवर होमलेस, देवर इवन स्ट्राइविंग फ्रॉम ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर के लिए भी तरस रहे थे, ऐसी हालत कर दी पिता ने। तो पापा जी से ज्यादा पंगे नहीं लेने, पिताजी पिताजी हैं और धीरे धीरे रेमेडी कर लो, ये वाली किचन, ये वाली जो हरे टेप वाली, इतना सा कर दो इससे कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ की बेल्ट में जो एनर्जीज हैं वो वहां पे फ्लश ऑफ हो रही है। तो जी टॉयलेट क्या करता है, टॉयलेट का काम क्या है, सीट का क्या काम है, कमोड का क्या काम है, कमोड फ्लश का आउट, काम क्या है, वो फ्लश ऑफ करता है वहां से। तो वो भाई डिस्पोजल की डायरेक्शन नहीं है, टॉयलेट के लिए आपके लिए आइडियल डायरेक्शन नोट कर लो सारे के सारे, टॉयलेट के लिए सबसे आइडियल डायरेक्शन जो होती है वो आपका जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हो या साउथ वेस्ट रीजन हो, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट सेकंड ऑप्शन है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को रखो, ये डिस्पोजेबल के लिए आइडियल लोकेशन है, ठीक है ना। इवन तक वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी चल जाता है टॉयलेट, ये ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ। देखो बेस्ट तरीका क्या है ना, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट यानी कमोड बना दो, बाकी घर में बाथरूम जहां मर्जी बनाओ, खुली ऑप्शन है, कोई इतना टेंशन नहीं, बस अग्निकोण को छोड़ के, ठीक है, नहाओ जहां मर्जी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैं अक्सर घरों में यही करता हूँ कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर कमोड को स्टेब्लिश करवाने के बाद जो है मैं वो बाथरूम की ऑप्शन खुली देता हूँ, बना लो जहां बनाना है, क्योंकि लोगों को आजकल अटैच बाथरूम चाहिए होते हैं ना, तो नहा लो जी भैया, टॉयलेट के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके। वैसे तो आइडियली घर में हमारे शास्त्रों के हिसाब से टॉयलेट्स आर नॉट अलाउड, किसी भी वास्तु के ग्रंथ में ये मेंशन्ड है टॉयलेट्स। और पहले के देखो अभी हिसाब उल्टा हो गया, पहले हिसाब क्या था कि हम घर में खाते थे और बाहर जो है हम फ्रेश होके आते थे, अभी क्या है तो हम लोग होटल में बाहर खाते मोस्ट ऑफ द टाइम और घर में आके फ्रेश होके, पूरा गेम उल्टा हो गया। तो उस समय जब वो त्रेता युग में या उसमें जब युग में ये ग्रंथ लिखे गए थे उन्हें उन्हें पता नहीं था कि वो होटल भी आने वाले हैं कभी, ठीक है ना। जी तो ये हो गया, ये बाय द डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अब तो हम कलयुग में है, तो हमारी टाइमलाइन बदल गई, टाइमलाइन हमारा टाइम जोन बदल गया, इसलिए ये सारी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आदेश जी हाँ बताइए। और इसके अलावा सर कुछ ऐसा करा जा सकता है जो इतना सारा, मेरे को तो ऐसा दिखता है कि थोड़ा बहुत अगर देखूं ना तो सर मेरे घर में तो बहुत ही वास्तु दोष है, तो क्या कोई ऐसा यंत्र या कोई ऐसी चीज मैं करूं जिससे कुछ वास्तु दोष कम हो सके, जैसे आपने यू बताया है। वही तो नोट करवाए हैं, जी वही तो नोट करवाए हैं, उसको ओके इंप्लीमेंट कर दो, रेंट एग्रीमेंट कर लो, आपको उस घर का वास्तु इफेक्ट करना बंद कर देगा पैतृक संपत्ति वाला। ओके ओके सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर, सर डॉक्टर उत्कर्ष सक्सेना। जी। डॉक्टर साहब बताइए सर, आपका माइक ऑन कर दीजिए। सर आवाज वॉइस नहीं आ रही है सर आ नहीं रही है आपकी, सर वॉइस। आवाज आ रही है सर? जी जी अब आई। सही है, मुझे ये पूछना था सर, जो आपने शिलान्यास बताया था सर, उसमें जो आपने स्टोन के बारे में बताया था, तो उसमें कुछ रत्ती वत्ती भी लेनी है क्या सर उसका? रत्ती जितना मिनिमम रखो, और मिनिमम रखोगे उतना अच्छा, स्पेसिफिक अच्छा रत्ती कुछ सर, नहीं है, बिकॉज शिलान्यास करना है और ये जो जेम स्टोन से हमको बॉडी पे नहीं धारण करने हैं, तो बॉडी पे नहीं धारण करने। और अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, तो आप अपनी पॉकेट के अनुसार रत्ती को लीजिए। अगर अगर आप कहते हैं कि मुझे शिलान्यास में बहुत कम इन्वेस्ट करना है, तो आप कम से कम एक एक कैरेट 200 मिलीग्राम की जो कैरेट होती है वो यूज कर लो। और आइडियली अगर रत्ती का सिस्टम देखोगे तो पूरे इंडिया में स्टैंडर्ड जो सिस्टम है वो 120 मिलीग्राम की रत्ती होती है, बस एक दिल्ली को छोड़ दो, वहां के जो ज्वेलर्स हैं वो 180 मिलीग्राम की रत्ती को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप किसी भी रत्ती का लीजिए, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन तक आप सब्स्टिट्यूट्स भी ले सकते हो अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑलवेज वेलकम सर। अरुण जी, एंड जिनको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिएगा, दीप्ति जी, यस डिवाइन कनेक्शंस, एंड जिनको भी पूछना है। जी अरुण बेटा जी बोलिए प्लीज। बोलिए 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 सर। नमस्कारम सर, दिस इज अरुण फ्रॉम कोयम्बतूर। नमस्कार सर, नमस्कार।
this is nice to meet you. Actually, we as a family, we like to explore more of our Vedic culture, which was lost. So right. we are very happy. Actually, we are not into astrology, numerology, and vastu. Actually, currently we are in yoga. My wife is teaching yoga and online. That's very nice. We as a family are practitioner of yoga. And we are learning acupuncture, Varma therapy, and touch healing. Yeah. And we are ready to explore this Vastu Shastra, astrology, and numerology. Because Vastu Shastra, how it interested is, we are going to purchase a new land and house. Just the time has come to purchase a land and house. I have some interest. Maybe I went to some books, but not full this knowledge. So right. Is the right time you are being introduced to us? by this is all by the grace of God. Yeah, right time to us. So our daughter is also in 12th standard. She finished and she was taking our Vedic this Siddha medicine in Tamil Nadu. Very nice. Similar to Ayurveda, as you know, similar to Ayurveda, Siddha is in Tamil Nadu. So we are into that. So we want to combine all our Vedic studies in our family. Like, yeah, definitely. Tell ma'am also to be associated with us. Probably, you know, she can help us, you know, really guide our students also. We have a lot of students of yoga with us. So okay. Definitely she can, you know, if she can contribute, I'll really welcome her from the bottom of my heart. So if you want to be with us, you are most welcome at any point. And for all the things, even ask your daughter also to stay in touch with me. You know, there are a lot of patients where I will, you know, keep consulting her. I'll take her help where, you know, with the help of her knowledge, I can heal some of my clients. I'll be really happy. You know? Sure, sir. Actually, my wife started yoga session in this online yoga session in this pandemic, in this corona situation only. With a request of some friends and one, by Cody, some 50 students are there, and she is running some 3 to 4 batches. She is running on corporate batches, and she is able, the other beauty thing is she is able to by doing yoga, she is able to solve all the issues with them. Like you can the same yoga, but those who are having thyroid issue, it is curing. Those who have sciatica problem, it's curing. So we are very positive about that, and we want to attach this astrology, numerology, and vastu also. Sir, we will help you in the way the best we can do. We can help you in the way you want. You just tell us how you want to get, you know, be in touch with us, get into our system. You are always most welcome, and we are, you know, we always welcome, you know, people, intellectuals who want to contribute in this particular, you know, all these, you know, Vedic sciences. We always appreciate, we always encourage them, sir. And I am really thankful to you for being part of this workshop. And I'm really glad to listen all the, you know, things which you have shared about your family. Really good, sir. I really felt very good. We have, I have explored some temple issues with temple. So I have read almost 300 history of temples in Tamil Nadu. Right, so each and every issue, we have temples. Each and every remedy, we have temples in Tamil Nadu. Yes, yes. That I explored almost from our last 10 years. That is my own. And we are blessed that we are associated with you. Right. Please be in touch. Please stay in touch, sir. Sure, sir. Nice. Right, sir. Namaskar, sir. So, any other question? Deepti ji. Sir, one more thing, sir. Sir, which place to practice yoga? Which location will be ideal place to practice yoga, sir? Like, as such, always west is considered good. Always you should face the east. That is important. Face the east. Always face the east, then practice this. Look, sir, when you talk about yoga, east is the most important direction, because east belongs to Atma, your soul. Correct. Surya is a karak of Atma. So we should always face east, and we should always do our all practices in western zone, first choice, second choice, and southwest. That is always recommended. Okay. Thanks. Right, sir. Namaste. Yes, sir. Yeah, Deepti ji.
बताइए। हेलो सर, पहले तो हैप्पी टीचर्स डे, टुडे इज अ टीचर्स डे एंड माय आई एम सो थैंकफुल दैट आई गॉट टू नो यू एज अ यू नो माय टीचर और गुरु. So yes, my question is, in my vastu, in my apartment, there is no southeast corner. Talking about all the corners till now, but what if the corner itself is not there? Because ghar ka construction hi aisa hai, to southeast hai hi nahi. So I consulted one astrologer. They have suggested to put mirrors on walls, surrounding walls, jo bhi unhone walls kaha, and that was not possible for me. So I would like to know if what can be done if the corner is not there, and that is a very important corner for money, you know, money flow. Yes, yes. Yeah. Okay. Anything? Bas itna hi. And another thing is my kitchen gas is in north place exactly. तो वो भी एक problem है, जैसे construct हुआ है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ. बाकी whatever you taught, I think my place is in good place. I mean सब कुछ सही जगह पे. Master bedroom is also west and southwest. My room is at south as of now. I'm single. I'm also looking forward to get married. It's late. तो है वो कुछ कुछ चीजें हैं जो problematic है. So उस हिसाब से मुझे remedies अगर दी जाए या कुछ बताया जाए. Definitely बताया जाएगा आपको. पहली चीज तो आप एक काम कर सकते हैं. देखिए springs होती हैं. Yes. ठीक है. Springs जो होती हैं वो generally आपको जब मिलती हैं वो anti-clockwise मिलती हैं. ठीक है. उन स्प्रिंग्स को जब उल्टा करके क्लॉकवाइज कर दोगे तो स्प्रिंग्स जो है, आप जो आपका एग्जैक्ट साउथ ईस्ट है ना, जो भी जोन कटा हो ना, वहां पर अगर उस जोन को एक्सटेंड करना हो यानी कि बढ़ाना हो तो स्प्रिंग्स को उल्टा करके क्लॉकवाइज जो है ना, तीन स्प्रिंग्स लो, ट्राइंगुलर शेप में तीन स्प्रिंग्स लेके वहां पर ड्रिलिंग करो साउथ ईस्ट में, और उनको एंटी क्लॉकवाइज नहीं डालना. एंटी क्लॉकवाइज डालोगे तो और कम हो जाएगा वहां का, क्लॉकवाइज डालोगी तो वो बढ़ जाएगा वो जोन. ठीक है ना. तो क्लॉकवाइज स्प्रिंग को, तीन स्प्रिंग को ट्रायंगुलर शेप में इंसर्ट कर दो तो इस जोन की रेमेडी हो जाएगी. अब बात करते हैं आपके किचन की. तो आपके किचन के अंदर क्या है, आपको बेसिकली वहां पर देखो, अग्नि को आप उत्तर दिशा में जला रहे हो तो दैट मीन्स फायर इज बेसिकली इवोपरेटिंग द वाटर एलिमेंट. वो पानी को खत्म कर रही है, और सबसे बड़ी बात उसको तो खत्म कर बाद में करेगी. पहली बात तो अग्नि आपके घर में है ही नहीं. आप समझ रहे हैं, अग्नि आपके घर में है ही नहीं, क्योंकि अग्नि कोण कटा हुआ है. तो जब आप अग्नि कोण कट गया तो क्या हुआ इससे कि आपके घर में एक तो प्रॉब्लम्स जो रह सकती है वो ये रह सकती है कि फूड न्यूट्रिशन, ठीक है ना, खाना जो होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है. दूसरा फाइनेंशियल, आपके पास पैसा आएगा जरूर मगर आपके पास पैसा रुकता नहीं है. ठीक है ना. तो अब इस केस में देखो, बैलेंसिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे फिलहाल. तो आप एक तो स्प्रिंग्स जो है, तीन स्प्रिंग्स को ट्राइंगुलर शेप में उस साउथ ईस्ट के पोर्शन में जाकर जो है ड्रिल करवा के डलवा के ऊपर व्हाइट सीमेंट लगवा दो. एक तो ये रेमेडी होगी. दूसरी रेमेडी, जो आपका किचन है उसके नीचे जो है ग्रीन पत्थर या फिर ग्रीन एनर्जी प्लेट्स आती है, वो जो है चूल्हे के नीचे एग्जैक्टली उसको एस्टेब्लिश कर दो. तो वहां पर क्या होगा, वो जो ग्रीन प्लेट होगी, वो ग्रीन प्लेट जो है उस साउथ, वो जो अग्नि वहां पे जल रही है उसका कनेक्शन खत्म कर देगी वहां के वाटर से. ठीक है ना. तो वो चूल्हे के नीचे या तो एक मार्बल का पत्थर लेके वो एस्टेब्लिश कर दो, या फिर ग्रीन एनर्जी प्लेट्स आती हैं, सब जगहों पे मिल जाती हैं. अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो निधि जी को बोलना, ये मंगवा के दो, जितने चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चूल्हे के नीचे उसको लगा दो, परमानेंट फिक्स करके छोड़ दो, आपका रेमेडी हो जाएगा. डन है. ओके सर. ओके ओके. Thank you. Right. I hope clear होगी बात. Yes sir. Yes. Thank you. जी. Okay. Sheetal जी. हाँ जी. Thank you so much, Dr. Bhatia. Very very fortunate to meet you.
मैं को मुझे खुद को नहीं पता था कि मैंने कब यहाँ पे रजिस्टर करवाया और मैंने कब किया. वो व्हाट्सएप मैसेज जब आया तो पता चला कि मैंने रजिस्टर किया था. मैं मास्टर रेकी हीलर हूँ और मैं खुद रेकी सिखाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो पानी पीता है उसे मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आधे से ज्यादा जो चीजें है मेडिटेशन से ठीक हो जाती है. बट सिंस देर आर सो मेनी क्लाइंट्स where with you know with healings, with chakra healings and whatever the modality of healing se hota hai, kahin pe wo stuck reh jata hai, where I feel the arising of astrology and vashu is required, you know, because certain time the blockages are very heavy and very strong. So of course my intention was to know about vashtu. However, मैं बहुत जगह पे probably half course करके वापस आई हूँ, because I was not able to satisfy, I was not satisfied with the course, or I was not satisfied with the content or the teaching process. It is a divine connection again, कि divine ने आपसे connect करवाया है, कि जिस तरह से आपकी way of teaching है, वैसे मेरी way of teaching है, कि सामने वाला छोड़ के चला जाएगा, but मैं साथ नहीं छोड़ूंगी. जिस तरह से आपने कहा कि आप छोड़ के चले जाओगे लेकिन आप साथ नहीं छोड़ेंगे. I will be connecting to you very soon with Nisha ji for the courses. There are lot of doubts probably, but मेरे ख्याल से वो मैं वन ऑन वन आपसे करूँ या वन ऑन वन में आपसे सीखूँ या मुझे इस दिशा में आप ले जाओ कि जहाँ हो सके जितना हो सके चीजें रिजॉल्व हो जाए विद अ वेरी नेचुरल वे एंड वेरी यू नो स्पिरिचुअल वे. सो मैं आपको नमन करती हूँ दिल से. आज टीचर्स डे है, मतलब भाई गुरु ने आपसे मिलाया है, गुरु से मिलाया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू योर टीम, थैंक यू टू निशा जी जिन्होंने मुझे याद दिलवा दिया कि आज ये तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है मेरे लाइफ से मैं खो दे दी. सो आई विल, मेरी बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है, बट आई विल टेक अ लीव विथ योर परमिशन एंड आई विल कनेक्ट विथ यू वेरी सून. दिल से नमन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Kind thanks, ma'am. Kind thanks. Thank you, Shita ji. Thanks a lot for your praising words. Thank you, Nidhi, because trust me, I had really forgotten with so much things happening on the platter. मतलब अब healings में इतने involved हो जाते हैं ना कि हम भूल जाते कि हमने अपने लिए भी कुछ किया था. तो वो वाहे गुरु है कि बोलते हैं कि बेटा तू किसी और चीज में busy, तेरे लिए मैं ना जोड़ देता हूँ जिससे तुझे जोड़ना है. So thank you so much for the reminding for the classes and thank you so much for the connection. I will get back to you people soon, very very soon. Right. Thank you. Always welcome from the bottom of my heart. Thank you. I'll take a leave, sir. Thank you. Sure. Always. No problem. Okay. Srinivas ji. Hi sir. Namaste. I have one question on Vastu. What is the process of counting the steps in Vastu? I always been confused whether we need to count from the floor where we stand or we count the steps, first step, or we need to also consider the slab on the top. Yes. So we always say it should be even, right? Odd numbers, correct. So we how we need to start? Can you just explain first thing you have to always calculate the slabs, okay? Because most of the time we always land up ke ye to pura slab hai, this is not useful, often we think. But honestly speaking, whatever is giving you height, even just a small slab also which is giving you the height, when we talk about stairs, okay. The stairs should go always anti-clockwise, number one. Number two, all your stairs should be in the odd format. It could be 13, 15, 17, those kind of steps should be always there. Always remember this, sir. And always remember one thing, when you talk about stairs, ideal direction for the stairs is the southern belt, number one. Number two, you can go with the southern western belt also sometimes, you know, near and there, western or southern western, okay, you can go. But always avoid stairs in the eastern belt or northern belts. In the northern belts, if you will have stairs, that will give you financial crunches, financial losses. In the eastern belt, if you will have stairs, and then that will give you problem from the government side, that means court cases, that means litigation, that means not getting support from the government.
So these are the problems. So always it is recommended that you need to have your stairs in the southern western zone, southern western directions, and always have your odd numbers. Right, sir? I hope disconnectivity is there. Anything else? Anyone else? Anybody else wants to ask any questions? Yeah, Varsha ji, please unmute yourself and ask the question. Hi, sir. Thank you very much for sharing your knowledge. This has been really fulfilling. My mother was also listening to you. She was saying that I have never seen such a person. She listens to a lot of YouTube videos. She's saying ki aise insaan se main pehli baar dekh rahi hu ki itna clarity se itna in depth aap bata rahe ho, and your vibe, your energy is great. Itna achhi tarah se aapne samjhaya hai. Maine first time aapse maine dekha ki itne logon ki main video wagera dekhte rehti hu, but aapne jis tarah se samjhaya hai itna time dekhe aur itni achhi knowledge di hai itne time ke andar. Sir, I just wanted to ask one thing. Basically, my husband is in the army and we live in military accommodation, and we keep moving every 2 years. So basically in these houses, you can't do much in terms of drilling also. You can't do too much of remedies. You can do like thoda bahut kuch aap kar sakte ho. And most of these houses have vastu doshas because a lot of people live here. They keep moving, किसी का कुछ है किसी का कुछ है तो वो carry on करता है. So we literally have to do like painting and cleansing and havans and everything. But like all I want to know is that if you're not able to do too much, it like my father was also in the army, तो उनका मेरे mom and dad का भी relationship because of I don't know vastu, it has not been great. And now we are here, so I feel like it is affecting us also. So what can we do if we are living in these kind of places जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा? राइट. तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी अपार्टमेंट के अंदर जाए ना, अगर मैं रिलेशनशिप को फोकस करता हूँ, ठीक है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि हमारा साउथ वेस्ट हो, जो भी साउथ वेस्ट रीजन हो, अगर आपको वहां पर एक बेडरूम मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात है. बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में हो, उसके बाद वो जब हम साउथ वेस्ट में बेडरूम तो बनाएंगे, फेयर इनफ, ओके, मगर उसके पीछे क्या होता है, बिकॉज काफी सारे आर्मी फ्लैट्स जैसे कैंट एरियाज में विजिट्स होती रहती हैं, तो वहां पर मैंने एक चीज ये देखी है कि बिकॉज़ वन ऑफ द माय फ्रेंड इज देयर मिस्टर श्रीवास्तव, उनके घर पे मैं गया था, तो साउथ वेस्ट के का उनका भी ऐसा इशू था, उनके वाइफ के साथ काफी इशूज थे. ओके, है ना, ये मैं आपको लाइव केस बता रहा हूँ. तो उस केस में क्या है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम तो था, मगर उनके जो पीछे वाला जो कंपाउंड था उधर एक बड़ा सा ट्री था, पेड़, तो वैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उस घर में जाते प्रॉब्लम शुरू हुई. तो हम अब क्या करते हैं, तो उन्होंने जो स्पेसिफिकली जो है, फिर वहां पर ऊपर जो है अथॉरिटीज से अपने परमिशन ली, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से थोड़ा परमिशन वगैरह निकाल के उस ट्री को बोला कि हम लोग जो है इसके अगेंस्ट में और ट्रीज को एस्टेब्लिश करते हैं. तो ऐसे कर करा के उन्होंने उसको हटाने की कोशिश करी, मगर वो जो परमिशन थी एंड ऑफ द डे उनको नहीं मिली. राइट, उनको वो परमिशन नहीं मिली. तो उस केस में बस हमने फिर यही किया था कि वहां पर हमने पिरामिड्स को इंस्टॉल करवाया था, हैवी पिरामिड्स यूज किए थे. और ये जो पिरामिड्स क्या होते हैं, एक बार इंस्टॉल हो जाए तो आप किसी और घर में भी जा रहे हैं ना, तो इनको आप उतार के ना निकाल सकते हो. ये स्क्रू से भी डाले जाते हैं, और मैं तो स्क्रू में डलवाता नहीं हूँ. मैं क्या कहता हूँ, आप स्लैब लगाओ, एक आपने एक स्लैब मान लो एस्टेब्लिश कर दिया, उसके ऊपर एक यंत्र रखो, उसके ऊपर एक पिरामिड रख दो, तो वो ऑलवेज इट इज गुड. उसको आप जब मर्जी चाहो, कहीं ट्रांसफर भी हो रहा है, उसको अपने साथ ले जाओ. और ये जो पिरामिड्स है ना, ये यूनिवर्सल रेमेडीज है, तो इससे क्या होगा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, एक होता है ना साइड इफेक्ट कि हाँ भाई हम किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, तो इस पिरामिड वाले केस के अंदर ये यूनिवर्सल रेमेडीज हैं, इनका आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा. जिस तरह से मैंने नोट करवाया ना अभी आपको, साउथ वेस्ट के अंदर एक पिरामिड के साथ राहु यंत्र एस्टेब्लिश कर दीजिए, तो आप एक ये अकेला मत करना, मगर इनको करो तो आठों पिरामिड्स को एस्टेब्लिश करना, क्योंकि स्पेस जो है इक्वली बैलेंस हो जाए. अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही मैं साउथ वेस्ट की रेमेडी करता हूँ, मेरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है पैरेलल, तो वो नहीं करना. करना है तो आठों के आठों पिरामिड्स इकट्ठे लगाने, ठीक है ना, जिससे कि बैलेंस मेंटेन रहे. और फिर इन पिरामिड का रोल क्या है, देखो पिरामिड क्या कर रहा है, तो जो नेगेटिव एनर्जीज, जो नेगेटिव मैग्नेटिक जो अर्थ फील्ड वहां पे जो एमिट हो रहा है ना, उसको फिल्टर का काम करेगा ये पिरामिड. सिर्फ फिल्ट्रेशन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा. फिल्टर के रोल में
हम लगाते हैं, और उसके बाद आप एक बार लगाएंगे तो आपको विद इन आई वुड से 45 डेज के अंदर इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे से दिखेंगे। कई केसेस में तो 3-3 दिन में रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। और आप एक काम और भी कर सकते हो, साउथ वेस्ट के अंदर एक लव बर्ड्स आते हैं, ठीक है ना? लव बर्ड्स का एक छोटा सा फिगर आता है, मतलब दो पक्षी बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो उनका जो जो उनको साथ मतलब वो जोड़ा होता है, उनको आप जो अपने बेडरूम के अंदर एस्टेब्लिश कर दीजिए, जहाँ पर वो आपको दिखे, आपको भी दिखे, आपके हस्बैंड को भी दिखे, ठीक है ना? आते जाते कभी कभी उसको हाथ लगा दिया, उसको छेड़ दिया उसके साथ। और अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि दो छोटे छोटे पक्षी, इफ यू कैन रियली गो हेड, जैसे दो दो पैरट, एक लेडी पैरट एक मेल पैरट, ऐसा लाके घर में रख लिया। अगर रिलेशनशिप का लग रहा है डाउट, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। और एक आपको एक रेमेडी और बताता हूँ, पावरफुल रेमेडी है ये, पिरामिड वाला तो कर ही लेना, ठीक है ना? एक आप ये करो, एक प्रोडक्ट आता है वास्तुश्री प्लस करके, वो है नेगेटिव एनर्जी किलर है, मतलब नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना? वो जो है अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको समझ ना आ रहा हो अमेजोन पे तो खैर एक्सपेंसिव मिलता है वो, दैट इज यू नो बिकॉज माई ओन रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो आप उसको मंगवा लो, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, उसको ना आपको मॉपिंग में यूज करना होता है। डेली घर के अंदर जो मॉपिंग करोगी ना, ठीक है ना, उसके अंदर उसको यूज करो। तो वो दो चम्मच डाला एक बाल्टी में, घर सारे घर में मॉपिंग तो होती है डेली, यू कैन ऑलवेज यूज दैट, दैट इज पावरफुल नेगेटिव एनर्जी किलर। नेगेटिव एनर्जीज को वो खत्म कर देगा, जो भी पर डे पे नेगेटिव एनर्जीज आ रही है वो मॉपिंग के थ्रू वाइप ऑफ हो जाएंगी, उसको ऑब्जर्व कर देगा, और वो पानी आप फेंक दोगे वो तो फ्लश ऑफ हो जाएगा ना, वो तो आप फेंक ही दोगे पानी पोछा लगाने के बाद। और ये भी कर सकते हो, और एक काम और करो, जो आपके घर के टॉयलेट्स हैं उन टॉयलेट्स के अंदर भी आप सेंधा नमक मंगवा लो, मार्केट में सेंधा नमक इज अवेलेबल, ठीक है ना? वो सेंधा नमक मंगवा के एक कांच के बाउल में, टॉयलेट्स क्या है ना मेन सोर्स है, मेजर सोर्स है नेगेटिव एनर्जीज का घर में। अभी मुझे मैंने आपका घर तो देखा नहीं, देखो है ना, तो अभी आपको मैं ये जो रेमेडीज बता रहा हूँ ये वो रेमेडीज, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इनका बस जो मिलना आपको पॉजिटिवली मिलेगा, ठीक है ना? तो उस केस में आप जो है टॉयलेट्स के अंदर कांच के बाउल के अंदर इस सेंधा नमक को डाल के रखो, ठीक है ना? और आप चाहो तो वास्तुश्री प्लस के साथ भी आधा चम्मच सेंधा नमक मिक्स कर सकती हो, वो इक्वली और उसकी पावर को बढ़ा देगा, ठीक है ना? उसकी पावर को और डबल कर देगा, वो भी कर सकती हो। तो उस तरह से आप जो है ये मॉपिंग का प्रोसेस कर लो, पिरामिड्स लगवा दो, ना घर का कोई वॉल टच करना है ना कुछ और करना है, और नेगेटिव एनर्जीज का सोर्स जो टॉयलेट है वो ऑटोमेटिकली उससे जो है, और वो जो नमक होगा ना उसको चेंज करना है, मगर हर 10 दिन में उसको, 15 दिन में उसको वॉश बेसिन के अंदर डाला, पानी चला दिया, खूब सारा पानी चला दिया, चला दिया सिंपल, और फिर फ्रेश नमक डाल दिया, बाउल को साफ कर, ऐसे करो, इतना सा करो। इसके बाद आप अपनी फीडबैक चाहते हो देना हमारे को, आई होप यू विल बी हील्ड फॉर श्योर। मेरी मदर के बेडरूम में ही हमने कोने में मंदिर लगा हुआ है, बट लाइक सिंस दे डोंट लिव टुगेदर देयर इज नो सच थिंग, सो इज इट ओके टू कीप द मंदिर इन द बेडरूम और शुड बी पुट इट इन द डाइनिंग हॉल और समवेयर एल्स? देखो आइडियली अगर वास्तु के हिसाब से, नियम शास्त्रों के हिसाब से देखोगे तो टॉयलेट्स के अंदर जो है मंदिर नहीं होना चाहिए, परंतु कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं मंदिर के केस में ना, आप देखो आप किन किन भगवान को मानते हैं? मैं तो शिव की ही भक्त हूँ, मैं गणेश जी की भक्त हूँ। आपकी मदर किसको मानते हैं? गणपति जी को मानते हैं, ठीक है ना? अब पॉइंट ये है कि ऐसे केस में थोड़ी सी डेविएशन लेनी चाहिए, बिकॉज आप थोड़ा सा देखोगे ना तो ये तो ट्रिनिटी तो लिंक है, ब्रह्मा विष्णु महेश हो चाहे ये अलग अलग सब अवतार है सारे के सारे, ठीक है ना? तो आई जस्ट मीन टू से एक तो आप जो है वहां पर फोटोग्राफ जो है ना वहां पर कोई मूर्ति मत यूज करो उस में, मंदिर में मूर्ति नहीं लेनी, अगर कोई मूर्ति लेती है तो बिल्कुल छोटी सी लेनी, कई बार होता है हम सिल्वर की मूर्ति रख लेते हैं। सब विसर्जन कर दी बस, अभी ये दो बस मिट्टी के और एक चांदी के गणपति जी और लक्ष्मी जी है बस, बाकी सब विसर्जन तो कर दिया, इतना बहुत है। और साथ में एक काम करो, एक ना राधा कृष्ण की फोटो, राधा कृष्ण की फोटो वहां पर एस्टेब्लिश कर दो, और उस मंदिर को ना कवर रखा करो, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, ग्रीन कलर से या ब्लू कलर के पर्दे से उसको कवर रखो, इवन ब्लैक पर्दा विल वर्क इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसको कवर रखो,
और जब जब आपने पूजा करी उसको ओपन अप किया, अपने हाथ जोड़े, उसके बाद जो है वो आप बंद कर दीजिए, और रात को खासकर स्पेसिफिकली जो है उसको बंद करके ही सोना है, ये बात ध्यान रखना। तो इट कैन बी मैनेजेबल, सिंपली मैनेजेबल, मगर आइडियली यू नो मंदिर आर नॉट अलाउड इन द बेडरूम्स। ये कैन वी पुट द मंदिर इन द डाइनिंग हॉल, इज दैट ओके? फिर आप नॉर्थ ईस्ट से डेविएट हो जाओगी ना। हाँ जी करेक्ट। हाँ तो एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में तो है ना अभी वो मंदिर, नॉर्थ ईस्ट में तो रहने दो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज तो सबसे ज्यादा चैनलाइज करेंगी। अगर नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज को चैनलाइज नहीं करोगी तो आपके मदर जो है वो बेसिकली शांत नहीं रह पाएंगे, हील नहीं हो पाएंगे। तो हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मन को शांत रखने के लिए और एंग्जाइटी ना हो किसी तरह की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी इम्यूनिटी भी जो है ना वीक हो जाती है अदरवाइज अगर नॉर्थ ईस्ट चैनल। हाँ जी बहुत ज्यादा ही वीक है, हम हर बीमारी पड़ते रहते हैं बार बार। हाँ तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप ऐसे कैप्चर करो एक बार, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक बार पिरामिड्स वाला लगाओ, ये सब करके फीडबैक देना आप मुझे। अगर अगर मुझे फिर लगा तो मैं आपको फिर डिग्री टू की रेमेडीज और रिकमेंड करूंगा, तो वो एक अनदर थिंग है जो या मैम दैट इज ऑलवेज वेलकम। अगर वो अगर अपॉर्चुनिटी आप मुझे देंगे देन तो आई विल ट्राई टू यू नो हील यू इन द बेस्ट, आई विल पुट माय लेवल बेस्ट, आई विल डू दैट। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन नंबर वन, north region and eastern region, and when you talk about the stairs in the south belt and west belt you can go ahead with those, but you should have your stairs anti-clockwise, number one. Number two, okay. it should be in the odd number, including you have to calculate all slabs, everything, okay? No slab system. Once you are going at height, that means that is part of stair only, okay? So you have to have your odd numbers anti-clockwise. And still if you say okay, we don't have anti-clockwise, we have clockwise, but it is in south, but it is in west, and it is, you know, you will say okay, it is even number, okay, then you can probably use the wind chimes under the stairs. Just put a big wind chime that will you know work as a filter in that particular direction, and that will help you to heal up to some extent, not 100%, but up to some extent you it can be healed, right sir? Fine sir. Understood, sir. Thank you so much. Right, sir. Thank you so much, Nijiti. Most welcome, sir. Any other questions from anybody? I hope maximum sabka jinka raise hand raised tha, unka humne question liya hai. Anybody left? Okay, yes, Shivanand ji. Yes, please ask. Sir, please on your mic, yes. Yes, sir. Namaste, sir. सर आपने अभी एंटी क्लॉकवाइज बताया स्टेयर केस, वो चढ़ते समय या उतरते समय, मतलब हाउ इट इज चढ़ते समय सर, दिस फॉर्मेट, यस राइट सर जी, और एनी अदर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, I think sir हो गया है सबका, no problem, no problem. चलिए, so with this note we will end up the workshop. I'm really thankful to each one of you for you know really being such a patient audience. Thank you very much and thanks a lot. Namaste. Thank you sir. Thank you sir. Namaste.